BTS News reporter Mr. Ali. अली BTS न्यूज से आज चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद की तरफ हम आए हैं यहाँ पे भी सर्वे करने। यहाँ पे भी कुछ लोगों का जो गरीब तबके लोग हैं उनका कहना है कि हम सिर्फ टीवी में देखते हैं कि सरकार की तरफ से ये मिल रहा है, मोबाइल में देखते हैं कि सरकार की तरफ से ये मिल रहा है, और वो गरीब जो है घर के बाहर खड़े होकर एक राह देखते हैं कि कहीं से किसी की भी मदद आए और हमारे घर को जो है जो हमारे घर के जो बच्चे भूखे हैं उनको दो वक्त की जो है रोटी मिले। मगर ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से या कोई फाउंडेशन की तरफ से भी अब तक कोई उनको सुविधा फैसिलिटी नहीं मिली है। आइए ऐसे एक खड़े हैं उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर एक लेडीज़ खड़ी हैं, इनसे पूछ रहे हैं हम। हाँ मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फौजिया है। हाँ, तो आपको यहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटी मिली कि नहीं अब तक आप लोग? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं, खाली सुन रही हम लोग टीवी में, न्यूज़ में, उसमें सुन रही हम लोग देंगे आखिर कब देंगे पता नहीं है। यहाँ ना कोई MP आके पूछे हमको, ना कोई MLA आके पूछे, ना कुछ ना क्या, खाली इलेक्शन के टाइम पे वोटा होना बोल के आते यहाँ पर, उसके बाद कुछ ये चिलकलगुड़ा है। चिलकलगुड़ा है MLA पद्मराव है। जी नहीं, कोई नहीं है जी, कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं हमारे को। तो मतलब अब तक आपको कुछ भी नहीं मिला है, और आप क्या समाज को क्या कहना चाहती हैं और क्या एक संदेश क्या देना चाहती हैं आप? समाज को क्या कहना चाहते हैं बोलते, देख नसीहत हो रही हमको जो इलेक्शन जीताए बाद में, हमारे को नसीहत हो रही के हम कैसे आदमियों को वोट डाल के जिताए बोल के, हम जब हमारी मजबूरी को लोग नहीं समझे तो हम जिता के क्या फायदा उनको बोलो। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो दर्द है आप देख सकते हैं, और ये जो है कौन सा एरिया बताया आपने? चिलकलगुड़ा। ये चिलकलगुड़ा है, ये सिकंदराबाद में पड़ता है, सिकंदराबाद हैदराबाद तेलंगाना। माँ कुछ खाने को है? नहीं बेटा, घर में कुछ नहीं है खाने को। क्या हुआ भाई? भैया बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ ना।